स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बच्चों आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये एटम के मेटल की स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताएगी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कुछ पोस्टुलेट पर आधारित है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बेटा? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ठीक बच्चों, देखो मैटर किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। ऐसा किसने बताया? डाल्टन ने बताया। तो डाल्टन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर स्मॉलर पार्टिकल्स। जो हमारा एटम से इससे और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिवाइडेड इंटू टीनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मीन्स मेटल बेटा हमारा किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डाल्टन ने क्या बोला था? एटम। एटम हमारा क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मेटल का? अब इसे फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मींस फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हुआ? मेटल इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू अदर टीनी पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। ये पहला पोस्टुलेट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट की। पहला समझ में आ गया बच्चों? दूसरा क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं आर आइडेंटिकल। बेटा क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो देखो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आइडेंटिकल। व्हाट इज आइडेंटिकल? मींस सेम सेम साइज प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है? उनका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, सेम होगा साइज प्रॉपर्टीज सब क्या होगी बेटा? सेम होगा। तो आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, किसी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम एटम। सोडियम हमारा क्या है? सोडियम एलिमेंट है। अब सोडियम एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल। बेटा थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप साइज एंड प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगी, मास डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी. जब किसी भी एटम्स का शेप साइज मास डिफरेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी. समझ में आ गया बेटा? फोर्थ पास्टूलेट्स. फोर्थ क्या है? When two or more than two atoms combine together form atoms or molecules. ठीक है? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. अब एटम्स सेम भी एलिमेंट के हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट. ये देखो बेटा, ये सेम एलिमेंट के एटम है. यहाँ पे क्या है, ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं? ये दोनों एटम क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है. दोनों एटम क्या है? सेम है. तो फोर्थ पास्टूलेट क्या है? व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सेम एलिमेंट्स कंबाइंड.